नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन का आज का यह अंक। किसान भाइयों, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हमें अपने खेत खलिहानों में कौन कौन से सामयिक कार्य करने चाहिए, खेती के उन्नत व वैज्ञानिक तरीके क्या क्या हैं, किस प्रकार से हम उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग करके अपने समय और ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर आता है आपके लिए हमारा यह कार्यक्रम। तो चलिए देखते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। अंक की शुरुआत करेंगे मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। वैज्ञानिक तरीके से बोएं मूंग उड़द, उन्नत तरीके से करें प्याज का भंडारण, समय पर करें खेत की तैयारी, थ्रेशर के उपयोग में रखें सावधानियां और जायद में मूंग उड़द लगाने के कई फायदे। बसंत और ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द की बोनी का उपयुक्त समय मार्च के दूसरे सप्ताह से अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक करना काफी बेहतर होता है। ध्यान रखें कि 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर मूंग उड़द की उचित पादप संख्या के लिए आवश्यक है। कतारों की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें तथा पौधे से पौधे की दूरी 7 सेंटीमीटर पर्याप्त है। बोनी कुंड में 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। साथ ही थायरम 3 ग्राम या 1 ग्राम कार्बन डाजिम फफूंद नाशक दवा से प्रति किलोग्राम बीज उपचारित करके ही बोएं। फसल पोषण के लिए जरूरी है कि मूंग और उड़द फसल में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों के रूप में बीज के नीचे ड्रिल करके बोएं। जिन किसान भाइयों ने रबी में प्याज लगाई है और उसका भंडारण करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वे वैज्ञानिक तरीका अपनाएं। खुदाई के करीब 10 दिन पहले से सिंचाई बंद कर दें और पत्तियों की गर्दन करीब 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से अलग करें। खुदाई के समय कंदों पर क्षति न पहुंचे इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्याज को भंडारित करने के पहले उसे जमीन में बिखेर कर छाया में सुखाना चाहिए। तेज धूप में सुखाने की गलती बिल्कुल न करें। इसकी छटाई कर कटे फटे या खराब कंद अलग निकाल दें और गुणवत्ता युक्त प्याज को हवादार कमरे में भंडारित करें। प्याज की गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि जहां प्याज को रखा गया है वहां सूर्य की रोशनी मिलती रहे। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि प्याज को ढेर में न रखकर हल्की परत में या प्लास्टिक की हवादार बोरियों में रखें। मूंग और उड़द की फसल के लिए किसान भाइयों को समय पर खेत की तैयारी करना जरूरी है। खासतौर पर दोमट मिट्टी वाले खेत की तैयारी जल्दी की जानी चाहिए। सामान्यतया कुछ फसलों की कटाई फरवरी मार्च तक हो जाती है। इसके बाद सिंचाई करके ओट आते ही 2 से 3 बार खेत की जुताई करें और पाटा चलाकर खेत तैयार करें। गेहूं के जिन खेतों में मूंग उड़द बोनी हो उनमें गेहूं की खड़ी फसल में कटाई करने से 3 से 4 दिन बाद सबसे पहले हल्की सिंचाई करें। गेहूं की कटाई के तुरंत बाद 2 बार हैरो चलाकर खेत की जुताई करें और पाटा लगाकर समतल कर लें। इसके बाद चयनित किस्म की बोनी करें। किसान भाई ध्यान रखें कि थ्रेशर के उपयोग के दौरान सुरक्षित रहने के सभी इंतजाम करें। दुर्घटना कहकर नहीं होती और सावधानी ही सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच होता है। सबसे पहले जोड़ रहित विद्युत तारों का उपयोग करें ताकि करंट का खतरा ना रहे। फिर कहीं कोई जोड़ होता है तो उसकी अच्छी तरह से टेपिंग करें। आग की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें। इसके लिए पानी और रेत से भरी बाल्टियां या ड्रम रखें। इसके अलावा 5 किलोग्राम वाले शुष्क चूर्ण के 2 अग्निशामकों की व्यवस्था करें। यदि गहाई रात में करना हो तो पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करें तथा थ्रेशर में पूरा लगाने वाले को ढीले कपड़े न पहनने दें एवं बीड़ी एवं नशीले पदार्थों का उपयोग न करें। गार्डों या सुरक्षा युक्तियों को थ्रेशर चलाते समय न छुएं और न हटाएं। इसके अलावा बार बार पट्टों के आर पार न जाएं और थ्रेशर पर खड़े न हों। यदि थकान हो तो मशीन पर कार्य न करें। थ्रेशर पर फसल लगाने के लिए सिर्फ कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों को लगाएं और बच्चे को पास न आने दें। ग्रीष्म में मूंग उड़द लगाने के कई फायदे हैं।
साफ मौसम होने से और अधिक समय मिलने के कारण निराई गुड़ाई सिंचाई छिड़काव उर्वरक आदि का उपयोग करने में समय की कमी नहीं होती है तथा ग्रीष्म में बोनी के लिए जल्दी पकने वाली प्रजातियां उपलब्ध होने से किसान मूंग और उड़द की फसल गेहूं के बाद एकल फसल के रूप में या फिर आलू अथवा सरसों से खाली खेत में आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा एक फायदा यह भी है कि खरपतवारों का प्रकोप खरीफ की अपेक्षा बहुत कम होता है। इसके साथ ही वर्षा न होने के कारण एक बार में ही खरपतवार सुविधापूर्वक निकाले जा सकते हैं। फसल प्रबंधन अच्छा करने का मौका मिलता है तथा नवजात पौधों में गलन की बीमारी कम लगती है और पानी जमा न होने के कारण पोषक तत्वों का रिसाव नहीं हो पाता है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, इस समय कुछ क्षेत्रों में रबी की फसलों की कटाई और गहाई का कार्य चल रहा है। इसमें यदि हम फसल के कटने का समय, कटाई के उन्नत यंत्र, गहाई के समय क्रेशर का प्रयोग और बीजों के रख रखाव पर कुछ विशेष ध्यान दें तो अच्छा आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। रबी की फसलों में कटाई और गहाई कैसे करें, यही आज आपको बताएंगे हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उदय बड़ेगांवकर। गेहूँ एवं चना दोनों के लिए मार्केट में ऑलरेडी कमर्शियल या व्यावसायिक मशीन्स भी उपलब्ध हैं और उसके अलावा संस्थान ने भी अपने कुछ यंत्र विकसित किए हैं जो कटाई के काम में आ सकते हैं। गेहूं की कटाई की यदि बात करें तो गेहूं की कटाई के लिए आपको अलग अलग तरह के पावर सोर्सेज से चलने वाले यंत्र उपलब्ध हैं। संस्थान ने जैसे पावर टिलर, यदि छोटे किसानों या मध्यम किसानों की बात की जाए तो छोटा पावर सोर्स पावर टिलर होता है और पावर टिलर से चलने वाला रीपर संस्थान ने विकसित किया है। इसके अलावा सेल्फ प्रोपेल्ड या एक स्वचालित कटाई यंत्र भी संस्थान ने विकसित किया है जो 5 हॉर्स पावर के इंजन की सहायता से चलता है और इस यंत्र की सहायता से आप गेहूँ की कटाई बहुत सफाई के साथ में कर सकते हैं। ये यंत्र गेहूँ की फसल को काटेगा और काटने के बाद में सारी फसल को एक दिशा में उसको लिटाते हुए रखता जाएगा ताकि किसान आसानी से उसको उठा सके और उसकी बंडलिंग कर सके। तो ये यंत्र है और इस यंत्र के स्पेसिफिकेशन या इसके थोड़े और विस्तार में यदि बात करना चाहूँ तो ये होगा कि इसका कैपेसिटी, इसकी क्षमता जो है वो करीब आधा एकड़ एक घंटे में ये कर लेता है और इस आधा एकड़ को करने में जो आपका डीजल का खर्चा होता है वो करीब 1 से 1 लीटर डीजल तक का खर्चा होता है। तो ये सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, कीमत भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इसकी उपयोगिता को देखते हुए और साथ साथ इसमें जो प्रचालन लागत है उसको देखते हुए यदि देखा जाए तो ये छोटे किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस की बात करें, दूसरे और अन्य उपलब्ध तकनीकों की बात करें तो ट्रैक्टर में सामने लगने वाला जिसको वर्टिकल कन्वेयर रीपर कहते हैं वो भी उपलब्ध है। विभिन्न ट्रैक्टर के मॉडल्स में अलग अलग अटैचमेंट के साथ में लगने वाला वर्टिकल कन्वेयर रीपर, जो मैंने आपसे सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर या स्वचालित कटाई यंत्र की बात की, उसका कटर बार करीब 1 मीटर का आता है और उससे आपको आधा एकड़ प्रति घंटा की कैपेसिटी मिलती है। लेकिन ट्रैक्टर के सामने लगने वाला जिसको हम
ट्रैक्टर फ्रंट माउंटेड वर्टिकल कन्वेयर रीपर कहते हैं, उसको उसकी यदि बात करें तो उसकी कटर बार की या उसकी कटाई की चौड़ाई जो होती है वो करीब 2 मीटर होती है, और इस तरह से आपको जो कार्य क्षमता मिलती है या खेत में काम करने का जो एरिया कवरेज है वो करीब करीब 1 एकड़ प्रति घंटा हो जाता है। तो ये दोनों टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हैं। इसके अलावा रीपर बाइंडर जिसको कहते हैं, वो रीपर बाइंडर एक मशीन आजकल व्यावसायिक स्तर पर भी उपलब्ध है। ये मशीन वर्टिकल कन्वेयर रीपर की तरह नहीं है, थोड़ा सा अलग है। मशीन का फसल की कटाई करेगी और कटाई के साथ साथ में उसके बंडल भी बांधती जाएगी, क्योंकि बंडल बांधने के लिए भी या पुले बांधने के लिए भी वक्त पर जो है वो मजदूरों की कमी पड़ जाती है। इसलिए उसका अच्छा एक सॉल्यूशन जो है वो इस तरह की मशीन है, जिसके द्वारा न सिर्फ कटाई बट कटाई के साथ साथ में बंडलिंग भी हो जाता है। चने की कटाई के लिए आपको एक दूसरी तरह के यंत्र का उपयोग करना पड़ेगा, जो ट्रैक्टर में पीछे की तरफ लगने वाला है और जो थोड़ा सा डिफरेंट तरह का है, जिसमें चूंकि चना यदि आप इससे काटने की कोशिश करेंगे तो चना चूंकि हाइट में काफ़ी छोटा होता है तो इसलिए उसके वो इन वर्टिकल कन्वेयर रीपर में फंस सकता है, उससे कटाई नहीं होगी। तो या तो आप कंबाइन से उसकी कटाई करवाएं। कंबाइन जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल कंबाइन हार्वेस्टर का कंबाइन मशीन का उपयोग भी न सिर्फ हमारे पूरे देश में बल्कि हमारे इस एरिया में भी काफ़ी तादाद में कंबाइन का उपयोग होने लगा है। जहाँ भी आप देखते हैं इवन छोटे से छोटा किसान, चूंकि आजकल इस क्षेत्र में इतना क्रांति आ गई कि आपको ये मशीनें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल जैसे मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना की बात करूँ तो मध्य प्रदेश सरकार की योजना चला रही है जिसके द्वारा युवाओं को रोजगार के रूप में लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है और वो अपने कस्टम हायरिंग सेंटर्स बना रहे हैं। तो ये जो कंबाइन जैसी मशीन है इनकी कीमत भले ही 15 से 20 लाख हो, लेकिन कस्टम हायरिंग सेंटर्स के थ्रू किराए पे मुश्किल से 1000 या 1500 रुपये प्रति एकड़ के किराए पे ये छोटे किसानों को भी उपलब्ध है। तो वो भी किसान जिनका 1 या 2 एकड़ ज़मीन है वो भी चाहें तो इस तरह की मशीनों से अपने खेत को कटवा सकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। तो चना काटने के लिए या तो कंबाइन का उपयोग किया जाए या जैसा मैं बता रहा था कि ट्रैक्टर के पीछे लगने वाला एक साइड माउंटेड रीपर या जिसको रियर माउंटेड रीपर कहते हैं उसकी उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो कुछ कटाई की मशीनें थी। कटाई के बाद में हम आते हैं गहाई यंत्रों पे। गहाई के लिए आपको उस मार्केट में काफ़ी जो हड़म्बा टाइप के थ्रेशर हैं जिनको हड़म्बा थ्रेशर दरअसल कहा जाता है, हाई कैपेसिटी के या उच्च क्षमता के वैसे थ्रेशर्स उपलब्ध हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इन 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 सारी मशीनों के उपयोग में सबसे बड़ी चीज़ जो हमें खासतौर पर किसानों को देखना चाहिए वो ये कि इनका सेटिंग जो है, इनका जो एडजस्टमेंट है या मशीन को आप किस तरह से पूरी सेट करते हैं वो काफ़ी तरीके से हो। दरअसल क्योंकि यदि आपने थोड़ा सा भी सेटिंग गलत किया तो उस केस में ये होता है कि आपके फसल का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है कि आपको आपकी फसल में ब्रेकेज उतना ना दिखे, लेकिन जिसको हम एक इनविजिबल डैमेज कहते हैं, जो नज़र नहीं आता, उस तरह का डैमेज या उस तरह का नुकसान भी होता है बीज को जो आपने फसल थ्रैश की है, जिसके आपने गहाई की है। तो फिर यदि उसमें इंटरनल डैमेज यदि होगा तो फिर उस बीज उसका उपयोग आप बीज की तरह से नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा आपसे खासतौर पर अनुरोध रहेगा कि जब इन मल्टी क्रॉप थ्रेशर का या बहुफसली थ्रेशर्स का आप उपयोग करते हैं तो जो मशीन के साथ में जो ऑपरेशन मैनुअल दिए जाते हैं उनको आप प्रॉपरली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और उसमें जो मैन्युफैक्चरर ने या उस यंत्र के निर्माता ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी हुई है कि गेहूं के लिए मान लिया कितना आरपीएम उसने कहा है या चने के लिए इतना आरपीएम होना चाहिए यदि ऐसा कहा है, तो उस टेबल को आप रिफ़र करें और उस टेबल की सहायता से उसी तरह से उस मशीन का न सिर्फ आरपीएम जो मतलब जो आपका सिलेंडर घूमता है उसकी गति सेट करें, पंखे की भी गति उस हिसाब से सेट करें, और सबसे बड़ी चीज़ जो कॉनकेव क्लियरेंस होता है, जो सिलेंडर और कॉनकेव के बीच का जो गैप होता है उसको भी उसी हिसाब से सेट करें ताकि आपका कम से कम नुकसान हो और बिना नुकसान के आपकी गहाई का काम अच्छे से हो पाए। तो ये हड़म्बा टाइप के जो मल्टी क्रॉप थ्रेशर हैं, बड़े थ्रेशर जो ट्रैक्टर से चलने वाले हैं, ये रबी की सभी फसलों के लिए उपयोगी हैं। इसके अलावा हमारे संस्थान ने भी कुछ अलग तरह के थ्रेशर विकसित किए हैं, और ये थ्रेशर मल्टी क्रॉप थ्रेशर 5 हॉर्स पावर से चलने वाला, 7.5 हॉर्स पावर मोटर से चलने वाला, और उसके अलावा 20 हॉर्स पावर के मोटर से या फिर 25 से लेकर 30 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से चलने वाले थ्रेशर, इन 3 अलग अलग तरह के डिज़ाइंस हमारे संस्थान ने भी बनाए हैं। और हमारे संस्थान के बनाए हुए थ्रेशरों का डिज़ाइन इस तरह से थोड़ा सा अलग है कि न सिर्फ रबी फसलों के लिए बल्कि उसी थ्रेशर का आप इवन खरीफ की फसलों में भी उपयोग कर सकते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि आप कभी संस्थान में आएँ तो इन सभी मशीनों का
प्रदर्शन भी आप बकायदा देख सकते हैं कि एक ही थ्रेशर के द्वारा किस तरह से किया जा सकता है। इन दोनों थ्रेशर में थोड़ा सा फर्क जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं वो और संस्थान के द्वारा जो विकसित किए गए उन थ्रेशर्स में अंतर सिर्फ इतना ही है कि जो व्यावसायिक थ्रेशर हैं उनमें आप देखेंगे जो आपके पास में जो ज़्यादातर किसान उपयोग में लाते हैं जिन थ्रेशर्स को हड़म्बा थ्रेशर्स को उनमें आप देखेंगे कि पंखा और ड्रम दोनों एक ही शाफ्ट पे होते हैं। तो ऐसे में फसल के हिसाब से यदि पंखे की गति और ड्रम की गति आपको अलग अलग करना हो तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते। लेकिन हमारे संस्थान के द्वारा विकसित थ्रेशरों की बात करें तो हमने पंखा और ड्रम दोनों को अलग अलग शाफ्ट पे दिया हुआ है। तो ऐसे में मान लिया जैसे गेहूं में आपको 750 RPM की ज़रूरत हो तो आप सिलेंडर का RPM या ड्रम का RPM तो 750 रख सकते हैं, एट द सेम टाइम पंखे का भी RPM 750 रख सकते हैं। लेकिन दूसरी फसल में मान लिया कि पंखे का RPM तो आपको 750 चाहिए लेकिन ड्रम का RPM आपको सिर्फ 400 ही चाहिए तो वैसा आप जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध थ्रेशर हैं उनमें नहीं कर सकते, लेकिन संस्थान के द्वारा जो विकसित किए गए थ्रेशर हैं उनमें वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों, यदि हम अपने खेतों से प्राप्त उपज का प्रसंस्करण सही समय पर कर लेंगे तो उससे जहाँ एक और वर्ष भर न प्राप्त होने वाली फल सब्जियों का हम मजा ले सकते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रसंस्कृत सामान से अच्छी आय भी प्राप्त की जा सकती है। प्रसंस्करण क्या है और इसे किस प्रकार से किया जाना चाहिए, यही आज आपको बताएंगी हमारी विशेषज्ञ। हमारी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अपर्णा शर्मा। जैसे एक सब्जी होती है कटहल, कटहल हम पसंद बहुत करी जाती है लेकिन उसको बनाने में पकाने में बहुत समय लगता है। पहले तो उसको काटना ही एक समस्या है और उसके बाद उसको बनाने के लिए प्रयोग में लाने वाले मसालों को पीसना, भुनना, बनाना, वो भी बहुत ज़्यादा समय लेता है। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण की सहायता लेकर अगर कटहल के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको 2% नमक के घोल में घोलकर उसकी या तो डिब्बाबंदी कर दी जाए या पैकेट में अच्छी तरीके से उसको बांध के बंद करके रख दिया जाए तो जब गृहिणी को कटहल की सब्जी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तब वो उसको कटहल के जो टुकड़े उसने नमक के घोल में बना के रखे हैं, संरक्षित करके रखे हैं, प्रसंस्कृत करके रखे हैं, उनका प्रयोग वो बिल्कुल ताज़ा कटहल के रूप में कर सकती है। इसी तरीके से एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगी, जब हमारे बाजार में टमाटर बहुत अधिक उपलब्ध हों उस समय हमारी गृहिणियाँ, हमारी बहनें, हमारे कृषक भाई ऐसा भी कर सकते हैं कि उस टमाटर की या तो प्यूरी बना लें या टमाटो केचप बना लें या कुछ चटनी आदि करके उसको प्रसंस्कृत करके रख लें। क्योंकि जब टमाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने मौसम के दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है उस समय उसकी कीमत भी बहुत गिर जाती है। तो ऐसे में अगर उसको प्रसंस्कृत करके बना उसका कुछ खाद्य पदार्थ बना के रख लिया जाए तो उसका उस समय हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं जिस समय हमारे या तो बाजार में टमाटर उपलब्ध नहीं है या फिर उपलब्ध हैं तो बहुत महंगे उपलब्ध हैं। ऐसे में उस प्यूरी का हम साधारण टमाटर के स्थान पर आसानी से उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनका प्रयोग करके फलों और सब्जियों को संरक्षित किया जा सकता है, प्रसंस्कृत किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि मटर के दाने, आजकल मटर बहुत अधिक बाजार में उपलब्ध है तो मटर के दाने निकाल के उसका प्रशीतिकरण किया जा सकता है या फिर उसको नमक चीनी के घोल में भिगा कर डब्बा बंदी करके उसको बहुत लंबी अवधि के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है और जब उसका उपयोग हमें करना हो तो
तो साधारण मटर की तरह उसको साफ पानी से धो लें, और जो मटर का उपयोग आप साधारणतः बाजार से खरीद के करने के बाद करते हैं उसी तरीके से उस मटर का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि फलों और सब्जियों को सुखा सकते हैं। सूखने के बाद फलों और सब्जियों का रंग वैसा का वैसा ही रहता है, और जब आप उसको उपयोग करना चाहें तो हम उसको पुरानी सब्जी ताज़ा सब्जियों के तरह ही प्रयोग में ला सकते हैं। सूखी हुई सब्जियों में रंग और स्वाद बिल्कुल ताज़ी सब्जी का ही रहता है। इसके अतिरिक्त अगर फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण छोड़ दिया जाए तो अनाज और दालें हम बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं अक्सर कि ये अनाज और दालें क्या हो सकती हैं, इनका क्या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ बनाया जा सकता है। ऐसे में मैं आपसे बताना चाहूँगी, जैसे गेहूँ है, साधारणतः गेहूँ बाजार में हम बेच देते हैं, कुछ अपने उपयोग के लिए रख देते हैं। ऐसे में जो हमने अपने उपयोग के लिए रखा है उससे हम उसकी ग्रेडिंग करके उससे हम सूजी बना के बेच सकते हैं, मैदा बना के बेच सकते हैं, उससे आटा बना के बेच सकते हैं। और आजकल आप देखते ही होंगे बाजार में मल्टीग्रेन आटा का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये जो मल्टीग्रेन आटा है ये बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ऊंचे दामों पे बेचती हैं और ये कहती हैं कि पौष्टिक तत्व है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये मल्टीग्रेन आटा जो है ये पौष्टिक होता है, लेकिन आपके घरों में तो ये शुरू से ही प्रयोग में लाया जा रहा है। हमारे घर में गेहूं के साथ सोयाबीन, चना, मक्की आटे को एक एक मुट्ठी डालकर हमारी दादी नानी तो बहुत समय से इसको पीसती थी। तो ये मल्टीग्रेन आटा आज हम अपने घर में आसानी से बना सकते हैं, और इसकी अच्छे से अगर सुंदर तरीके से पैकिंग कर दी जाए और उसको विक्रय के लिए यूज़ करें, उसका प्रयोग करें, उसको विक्रय करें बाजार में, तो उसके हम अच्छे दाम ला सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो ये प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं इसको बनाने के लिए आप अपने घर में एक छोटी सी उद्योग इकाई भी ला कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़े अनुदान की ज़रूरत नहीं है, और अगर पैसा आपको बाहर से चाहिए तो हमारे सरकार उसके लिए अनुदान भी देती है। शिवपुरी गांव के फकीर बाबा का बड़ा था प्रताप। सब कहते बाबा तकदीर बदल देते आप। वो खेती करने की ऐसी बातें बताते जिनसे फसलों के ढेर लग जाते। पर एक दिन फकीर बाबा का खुल गया राज। किसान कॉल सेंटर से जानते थे वो उन्नत खेती की हर बात। खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो किसान कॉल सेंटर से खेती के विशेषज्ञों की सलाह पाइए। तुरंत उसी समय अपनी ही भाषा में बात करके खेती बाड़ी से जुड़ी किसी भी सलाह या सवाल के लिए मुफ्त नंबर मिलाएं 1800-1800-1551। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिन भिनाहट में, खुशियों की आहट में, NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, यह तो था हमारा आज का अंक। निश्चित तौर पर आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे, तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। आपके पत्रों का इंतजार हमें सदैव रहता है। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज की यात्रा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूर्वा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।